उपसभापति महोदय, यह मांग जो नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और राकेश जी प्लीज स्पीक ऑन द टॉपिक। वर्षों में मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया है, जो एक अभूतपूर्व है और देश के लिए एक बहुत एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। इस संदर्भ में बिहार के बेगूसराय में जो नेशनल हाईवे 31 गुजर रहा है, उसमें एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो फ्लाईओवर एक ट्रैफिक चौक तक ही आता है। यदि उसे खातोपुर यानी कुछ मीटर्स आगे बढ़ा दिया जाए तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जो आशंका जताई जा रही है। दूसरा, उसी NH-31 पर पावर बलिया में पावर हाउस से यदि जानीपुर तक एक फ्लाईओवर बनाया जाता है तो लोग सुरक्षित रहेंगे। यह इस संदर्भ में मैं उठा रहा हूँ कि पैदल चलने वालों का एक प्राकृतिक और मौलिक अधिकार होता है। जब नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है तो उन स्थानों पर छोटे छोटे व्यापारी, फल विक्रेता और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहले से स्थित होता है। उसके कारण जो आंकड़े आते हैं, जितने पैदल चलने वाले लोग होते हैं उसमें 31% व्यावसायिक कारणों से चलते हैं और जो रोड पर एक्सीडेंट्स हो रहा है उसमें 58% एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं पैदल चलने वालों का हो रहा है। भारत में ये आंकड़ा लगभग 32,825 है 2022 का और ये ग्लोबल ट्रेंड है। पूरी दुनिया में 1.2 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं। अमेरिका में 2022 में 7,500 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो 77% की वृद्धि है 2010 की तुलना में। भारत में भी यह वृद्धि लगातार हो रही है। इस संदर्भ में मैं मांग करता हूँ कि इन दो फ्लाईओवर की मांग करते हुए मैं एक सामान्य संदर्भ में कहता हूँ, जहाँ भी सड़क का चौड़ीकरण हो, विस्तारीकरण हो, वहाँ स्थानीयता को सुरक्षित रखा जाए। यानी स्थानीय लोग जो पैदल यात्रा करते हैं, कन्वेंशनल तरीकों से चलते हैं, बैलगाड़ी, टमटम या घोड़ा गाड़ी, उनके अधिकारों को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चूँकि नेशनल हाईवे बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, इसमें स्थानीय लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि बेगूसराय NH-31 पर वह जो पावर हाउस खातोपुर तक ले जाया जाए फ्लाईओवर को, और दूसरा फ्लाईओवर बेगूसराय के बलिया में पावर हाउस से लेकर जानीपुर तक बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राकेश जी।